हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्लॉट साइज 60 बाई 40 फीट है, उसके अंदर जो है चार पोर्शन बनाया गया। देखिएगा वीडियो को, एंड अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और आपको इसी तरह से कॉल 8095-615-113 फॉर हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक ड्राइंग एंड प्लम्बिंग ड्राइंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। से और भी हाउस प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, 3D इंटीरियर, ये जो सर्विसेज जो है हमारे इस सर्विस में आपको मिलते रहेगा। तो मोबाइल नंबर 8095-615-113 पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। ये जो विड्थ है 60 फीट है, लेंथ में जो है ना 40 फीट है, जिसके अंदर प्लॉट जो है साउथ फेसिंग है। तो साउथ बोले तो ये नॉर्थ की तरफ 2 फुट 6 इंच सेटबैक दिया गया, और आपकी ईस्ट की तरफ 2 फुट 6 इंच का सेटबैक है। सेम उसी तरह से 2 फुट 6 इंच का जो है वेस्ट की तरफ भी सेटबैक दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट दिक्कत कहाँ पर आता है? एक आता है सेप्टिक टैंक कहाँ पर बनानी चाहिए, और कुआ आपका वेल बोरवेल कहाँ पर लेना चाहिए। बिकॉज जैसा क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड फ्लोर में पूरा फुल कंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको शॉप चाहिए बोल रहे, यहाँ पे भी है दूसरा। तो टोटल चार पोर्शन यहाँ पर बनाएगा, बेडरूम बेडरूम 2 BHK का चार पोर्शन बनाएगा। बट इन लोग देते कहाँ है? सेप्टिक टैंक होना, कुआ या बोरवेल से, उसके लिए भी एक जगह देनी पड़ती है। कल के दिन बोरवेल ख़राब हो चुका समझो, तो आप कैसा कर सकते हैं? एंड ये चार पोर्शन ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पे चार पोर्शन बोले तो टोटल 8 पोर्शन होता। उनको भी कम से कम बाइक पार्किंग तो चाहिए ना। हर एक घर में ऑन एंड एवरेज 2 बाइक आराम से रहता है। ओके, आज की ऑन एंड एवरेज आप 2 बाइक के हिसाब से पार्किंग तो देना ही पड़ता है। तो पार्किंग नहीं है बोले तो ऑलमोस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता। फिर भी अब हम देख लेते इस प्लान के बारे में। ग्राउंड फ्लोर प्रपोज, ग्राउंड फ्लोर प्लान, एक गेट, गेट से एंटर हो गए सीधा स्ट्रेट, बीचों बीच जो है गेट दिया गया, किसको भी टेंशन नहीं। और दोनों का दरवाज़ा एक साथ दिया गया। यहाँ पर ये जो हॉल है 15 फुट बाय 7 फुट 2 इंच का एक हॉल, पूरे 9 इंच का दीवार लिया गया। इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम मिल रहा है आप लोगों को, 11 फुट 3 इंच बाय 8 फुट में एक बेडरूम, जिसके अंदर 2 विंडो है। और एक बेडरूम है, सेकेंड वाला बेडरूम 10 फुट 6 इंच बाय 8 फिट में एक बेडरूम है। एंड यहाँ पर देखिएगा एक किचन, छोटा सा किचन है, तो 7 बाई 3 फुट 4 इंच में, और एक अटैच टॉयलेट बाथ एंड बेड 7 बाई 3 फुट 4 इंच में। तो मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है दोस्तों, कई को बोलो किचन कट्टा ही आता है, ऑलमोस्ट 2 फिट का किचन कट्टा आता है। 2 फिट बोले तो 24 इंच होता, 24 इंच का नहीं आया, मिनिमम 18 इंच तो रहना है। तो 18 इंच बाकी का 15 इंच ठहरने में रहता। मतलब रोटी बनाते समय अब आप देखो गर्मी रहता, पसीना पहुंचना बोलते ऐसा तो करते आप, तो हाथ फिर दीवार को जो लगता समझो, तो दिक्कत होता। उतना छोटा किचन में मत बनाइएगा। एंड जिसके अंदर अगर कम पोर्शन बन रहे बोले तो कम बना लीजिएगा, 1 BHK के 4 बना लो, 2 BHK के बदले कंफर्टेबल। कई को बोले तो आजकल किराएदार भी थोड़ा अच्छा सा घर देख रहे, छोटे 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 नहीं देख रहे समझो, ठीक है। नहीं, अगर आप रेंट कम रखिए बोले तो रह सकते हो उन लोग। हो सका तो हॉल को आप कम करके किचन को तो कंफर्टेबल बना लीजिएगा, और टॉयलेट जो है यहाँ पर 3 फुट 4 इंच का बनाया गया, ये एक पोर्शन है। सेम उसी तरह से कंटिन्यू पोर्शंस है। तो शॉप, घर वालों का रिक्वायरमेंट है अभी ये 2 पोर्शन कैंसिल करके यहाँ पर पूरा शॉप्स बनाना चाहते हैं। ओके, फ्यूचर प्लानिंग वो है शॉप्स, कुछ तो किराना आइटम वो चलता बोल के उनका एक विचार है। तो ये था कॉलम पोजीशंस भी यहाँ पर देख, कॉलम पोजीशन सही है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 6 × 6 6 × 12 6 × 18, टोटल 18 नंबर ऑफ कॉलम्स है दोस्तों। ओके, टोटल 18 नंबर ऑफ कॉलम्स है, और आपको इस तरह से एक पूरा इन डिटेल डिज़ाइन मिल जाएगा, और टोटल 18 नंबर ऑफ कॉलम्स है, सफिशियंट है, जगह ठीक ठाक मिल रहा है इन लोगों को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान, वो भी सेम है एज इट इज़, कॉपी पेस्ट है, बस ऑफसेट जो एरिया जो है ना
वो नहीं दिखाएगा। है यहाँ पर भी ऑफसेट बिकॉज वेंटिलेशन जाने के लिए जगह वो सब दिया गया है वहाँ पर। ओके सो लगभग इस घर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा अराउंड अराउंड 80 लाख तक, 65 to 80 लाख तो चाहिए, आराम से चाहिए। प्लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।